एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबर सदर इलाके से है, जहां नवागत जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने मंगलवार दोपहर कोषागार पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। बाद में उन्होंने मां बेला देवी मंदिर पहुंचकर माथा टेका। बता दें कि आजमगढ़ के मूल निवासी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव यहां 7.5 माह एडीएम वित्त रह चुके हैं और 2016 में वह आईएएस के रूप में पदोन्नत हुई तो 2010 के बैच आवंटित हुआ। मंगलवार कोषागार में कार्यभार ग्रहण करने के बाद वह मां बेला देवी मंदिर पहुंचे। बाद में कलेक्ट्रेट में मीडिया कर्मियों से बात की। जिलाधिकारी ने बताया कि वह आईएएस बनने के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण के वीसी बने, 2 साल यूपी डिस्को के एमडी रहे, 1 साल 2 माह तक औरैया डीएम रहने के बाद अब यहां तैनाती मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के जो कार्य चल रहे हैं उसे पूर्ण करना उनकी प्राथमिकता होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में मंगलवार शाम घायल को लेकर पहुंचे लोगों ने भी बात करते हुए डॉक्टर का काला पकड़ लिया। इमरजेंसी के स्वास्थ्यकर्मी विरोध करने लगे तो काला पकड़ने वाले चले गए। आक्रोशित स्वास्थ्यकर्मी इमरजेंसी ठप कर दिया और गेट में ताला लगा दिया। वह गेट के बाहर हंगामा शुरू कर दिए। 2 घंटे बाद प्राचार्य ने सुरक्षा और कड़ी करने तथा काला पकड़ने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया। बता दें करीब शाम 6 बजे एक घायल को लेकर इमरजेंसी पहुंचे लोगों ने प्लास्टर लगाने के साथ उसे छुट्टी के लिए लिखने को कहने लगे। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सचिन मौर्य ने छुट्टी दिए जाने की बात लिखने से इनकार कर दिया तो उन्हें भी बात हो गया। आरोप है कि एक व्यक्ति डॉक्टर सचिन का काला पकड़ते हुए उनसे भिड़ गए। यदि एक इमरजेंसी में तैनात कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। घटना से आक्रोशित स्वास्थ्यकर्मी इमरजेंसी ठप कर गेट बंद कर दिया और बाहर खड़े होकर कार्रवाई की मांग करने लगे। प्राचार्य डॉक्टर सरित श्रीवास्तव ने स्वास्थ्यकर्मियों से घटना की जानकारी ली। मौके पहुंचे शहर कोतवाल सत्यन सिंह ने प्राचार्य और स्वास्थ्यकर्मियों से बातचीत कर गेट इमरजेंसी के भीतर लगाकर फोर्स तैनात कर रखा है। सीसीटीवी फुटेज देखकर मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नगर कोतवाली की अगली खबर, जहां पार्क की बाउंड्री ढहाने वाले 15 लोगों पर दर्ज हुआ FIR। पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। बता दें कि राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित राजा प्रताप बहादुर पार्क के निर्माणाधीन बाउंड्री ढहाने के मामले में पालिका के सफाई निरीक्षक के धैर्य पर पुलिस ने 3 नामजद सहित 15 लोगों के खिलाफ है सरकारी संपत्ति का नुकसान करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी ओर मंगलवार को पालिका प्रशासन ने तोड़ी गई बाउंड्री का दोबारा निर्माण करा दिया। बता दें कि राजा प्रताप बहादुर पार्क पर स्थित अस्थायी दुकानें हटवाकर नगर पालिका ने बाउंड्री का निर्माण करा दिया था। अभी बाउंड्री का निर्माण पूरा नहीं हुआ, इसी बीच सोमवार दोपहर कुछ लोगों ने बाउंड्री गिरा दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगर कोतवाली इलाके खबर की, जहां पुलिस अधीक्षक ने नगर कोतवाली महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क और कार्यालय प्रभारी निरीक्षक का किया फीता काटकर उद्घाटन। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक विजय सागर मिश्र के अलावा सीओ श्री करिश्मा गुप्ता और थाना अध्यक्ष सत्यन सिंह मौजूद रहे। इस दौरान मंदिर प्रांगण में एक भगवान श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक समेत तमाम पुलिसकर्मी शिरकत किए और प्रसाद ग्रहण किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां सदर अंतर्गत ग्राम सभा गढ़े चकदैया में पहुंचे प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ किया बैठक। स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण और जल के प्रति जन जागरण हेतु प्रभात फेरी में भी वह सम्मिलित हुई है। बता दें कि सांसद ग्राम प्रवास कार्यक्रम के तहत विधानसभा अंतर्गत ग्राम सभा गढ़े चकदैया में प्रतापगढ़ के सांसद पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और सम्मानित स्थानीय जनता जनार्दन के बीच स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण और जल के प्रति जन जागरण किया। इसके साथ ही वह प्रभात फेरी में भी सम्मिलित होकर इलाके के विकास कार्यों की समीक्षा की।